भागलपुर के सदर अस्पताल में आज डॉक्टर और मरीज के बीच बवाल हो गया। मरीज से तंग डॉक्टर ने जहां उसकी पिटाई कर दी, वहीं मरीज और उसके साथ आए लोग ने भी डॉक्टर को अस्पताल से खदेड़ दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रजौन की मालती देवी अपना इलाज कराने भागलपुर सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बजाय थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही तिलका मांझी थाना की पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया। इधर पूरे घटनाक्रम पर सिविल सर्जन ने बताया कि दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब वाला रिकरिया है के लिए कि नहीं रिकरिया ने और गंदा गंदा बात बोल रहा है तो गंदा गंदा बात बोलना के लिए सब नहीं है, खाली पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड हमको कर दे बस। इतने में क्या बोला, हम नहीं करेंगे, जाइए चिट्ठा फेंक दिया। बाकी लिए कि आप डॉक्टर हैं तो इलाज करने का दिया सरकार ने, कहन कीजिएगा बस कुर्सी फेंक करके हमको उठ गया मारने के लिए दे दिया। ये कुर्सी फेंक दिया माथा पर डॉक्टर ने, बस दिखिए कि डॉक्टर ने जो हमको कुर्सी फेंक दिया तो दमाद है बगल में, वो देखेगा तो नहीं है ना। दमाद बोले कि काहे मार रहे मम्मी को, क्या बात है, बस हमको दमाद को सब ने मिल के मरने लगा। अब काहे बोलते हैं हमारा दमाद है, नहीं बोलेगा, आए हमको गाली दे दिया तब कुर्सी फेंक के मार दिया डॉक्टर सब मारा। मेरे साथ ये हुआ कि हम अपने सासू माँ को लेके गए थे कि पेट में दर्द अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसी पूछताछ में बहुत पूछताछ में बोलने लगे हैं, तो हम बोले कि अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, उसी में बोला कहा है हर वक्त अल्ट्रासाउंड तुरंती अल्ट्रासाउंड कर देंगे, इसी में बोलने लगे, बोलते बोलते गर्मा गया। अब मेरी सास कम सुनती है, उसी में बोला कि वो बहरा बता लाया है, मतलब मथा भुकाने के लिए, तुम्हें मथा भुकाता, बस गाली गलौज करने लगा, बस कुर्सी से उठा हमको मारने के लिए आया, तब तो मैं गाड़ी भी पकड़ लिया, बस सबने मारने लगा। डॉक्टर साहब दो तीन गो था, वो भी चार पाँच थोपी से मारते हुए रूम से बाहर किया और गार्ड भी मारने लगा, सास को भी एक दो डंडा मारा और मेरे वाइफ जब आया बचाने के लिए देखने के लिए तो इसको भी धक्का मुक्की करके, तीन नंबर वार्ड रूम नंबर है, तीन नंबर का उसी का डॉक्टर दो तीन गो था, वही सब मिल के मारा। हाँ, उसके बाद थाना में आवेदन दिया, थाना आ रहे कुछ देर में। नहीं, डॉक्टर से बातचीत भी देखा जा रहा है, चार डॉक्टर हैं वो लोग अभी नहीं है, समझ गए। एन एम एक थी, एक डॉक्टर से थे जो लोग ड्यूटी पर हैं, हम तो उन्हीं को खोजेंगे, ड्यूटी पर खोज के उनको देंगे, उनको पत्र का जवाब दे देंगे किस परिस्थिति में, गार्ड को भी अति करके देंगे, गार्ड के सुपरवाइजर को, सामंता सिक्योरिटी को, जो भी इसमें गलती पाया जाएगा उसको तुरंत कार्रवाई। कौन जो अभी उपस्थिति चेकर घटना स्थल पर, अभी जो हमने उपस्थिति पंजी देखी, ये क्या कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर देखा, डॉक्टर कोई नहीं थे, उनको लिखेंगे ना कि नहीं थे, आप कहाँ थे, पूरी पूरा एविडेंस के साथ ना हम लोग करेंगे। अगर सामने आता है तो कार्रवाई होगी ना, क्योंकि ये अगर सामने आता है तो बड़ी बात है। नहीं, मामला सामने कार्रवाई होगी, जिसका भी गलती होगा उसको पेनाल्टी मिलेगा। सऊदी अरब में रविवार को माह रमजान का चांद नजर आया। इसी के साथ पश्चिम एशिया के कई देशों में सोमवार को पहला रोजा रखा गया। वहीं आज से भारत समेत कई देशों में पवित्र माह रमजान का आगाज हो गया। भागलपुर में भी माह रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज भी दिन भर लोग रमजान की तैयारी में जुटे रहे। बता दें कि इस माह के अंत में भी रोजेदारों को तपती धूप में रोजा रखकर सब्र का इम्तिहान देना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च के अंत और अप्रैल महीने में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। गौरतलब हो कि इस बार सबसे बड़ा रोजा करीब 14 घंटे का होगा। रमजान के पूरे माह में 56 मिनट बढ़ेगा। पहला रोजा 13 घंटे 13 मिनट का होगा, जबकि 29वां रोजा 13 घंटे 55 मिनट का होगा। मदरसा सहबाजिया के प्रधान शिक्षक मुफ्ती फारूक आलम अशरफी और भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार माह रमजान का चांद 29 तारीख को होता है, तो पहला रोजा 12 मार्च से शुरू होगा। इधर माह रमजान में पढ़े जाने वाली तरावी की विशेष नमाज को लेकर मस्जिदों, खानकाहों और घरों में तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्व में कपड़ों का व्यापार खूब फल फूल रहा है। वहीं कपड़ों की बढ़ती डिमांड के साथ इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में मार्केट में 100 रुपये से लेकर
5 लाख रुपए तक के कपड़े मौजूद हैं, लेकिन इन स्टाइलिश कपड़ों तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है। इन सब के बीच अगर आप भी स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बिहार के भागलपुर जिला में खुले एक ऐसे कपड़े के शोरूम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप कुछ रुपये खर्च कर स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर शहर के खलीफाबाग चौक के समीप ओम श्री टावर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित मातवर शोरूम की, जहां एक से बढ़कर एक कुर्ता, पैजामा, जैकेट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, जोधपुरी सूट, पठान सूट, डिजाइनर सूट, साफा, जूती और ढेर सारे आकर्षक वस्त्र एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। वहीं आज भागलपुर जिला में खुले पहले मातवर शोरूम का विधिवत उद्घाटन 9 कन्याओं ने फीता काट कर किया। वहीं मातवर परिवार की ओर से कन्या शिवांशी कश्यप, भव्या कुमारी, अदिति सिंह, निधि कुमारी, नबीसा झा, अनिका तिवारी, श्रावणी शाह, काव्या चौबे और काव्या कुमारी को उपहार भेंट किया गया। इधर मातवर के प्रोपराइटर लक्ष्मण शाह और राम कुमार शाह ने बताया कि हम लोग ग्राहकों को किसी भी खरीदारी पर 100% कैशबैक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कस्टमर 500 रुपये की खरीदारी करता है तो उसे 500 रुपये का कूपन दिया जाएगा, यानी जितनी की खरीदारी करो उतनी अपनी जेब भरो। वहीं उद्घाटन के अवसर पर प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अभिषेक चौधरी, हिमांशु शेखर, सोमेश यादव समेत शहर के दर्जनों गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर संचालक लक्ष्मण शाह ने कहा कि मातवर सीमित समय के लिए 100% कैशबैक का यादगार ऑफर दे रहा है। पूरे ही नहीं, बिहार में ये हमारे मातवर ब्रांड का पहला शोरूम है, फ्लैगशिप स्टोर है ये। तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट में ये स्टोर हमने बनाया है और ये एक्सक्लूसिव मेंस एथनिक वेयर अभी हमारा स्टोर ये बना है, जिसमें शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, जोधपुरी, बंद गला, ओपन जोधपुरी, कुर्ता, पायजामा, साफा, दुपट्टा, माला, जूती, पठान सूट, कुर्ता, ये सारा कुछ जो है वो एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो हम बहुत कम्पिटिटिव प्राइस रेंज जो अपने प्रोडक्ट का रखे हैं, जो कहीं से भी कोई भी अगर कस्टमर आता है वो सेटिस्फाई होकर के जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो हमने अपने ब्रांड में एक ऑफर रखा है जो आज तक इतिहास में किसी भी ब्रांड ने नहीं रखा। वो ऑफर है हमारा 100% कैशबैक का ऑफर है। जितने की खरीदारी करो वापस उतनी जेब भरो, ये हमारा स्लोगन है कि जितने की आप खरीदारी करेंगे उतना पूरा रुपया आपको हमारे कंपनी के द्वारा, आपको कंपनी एक ATM कार्ड दे रही है उसके अंदर में वो उतना पूरा रिफंड चला जाएगा, जो आप तुरंत सेकेंड परचेज से आप उस पॉइंट को रिडीम करवा सकते हैं और अपना पूरा जो है परचेजिंग जो खरीदारी है उसको आप कम से कम मुफ्त समझिए कि करवा सकते हैं। ये हमारा अपना नया विचारधारा और नए ब्रांड के साथ में हम इस चीज को जोड़ रहे हैं। भागलपुर वासियों से क्या आग्रह होगा? आग्रह एक ही है कि एक बार कम से कम जरूर आएं और रेंज देखें, डिजाइन देखें, प्राइस देखें, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें, कोई भी फैसला करें कि कहां से आपको परचेजिंग करनी है। राम शाह और लक्ष्मण शाह हम लोग दो भाई हैं और गुरु अवधूत देवीदास महाराज और गुरु लक्ष्मी नारायण मीना की कृपा से हमने ये ब्रांड को चालू किया है और उनके आशीर्वाद से हमारा टारगेट जो है वो पूरे बिहार में कम से कम भी तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हमारा 30 से 35 शोरूम और 1 साल में पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल ये सारे मिला करके हम लोग 100 शोरूम का प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मातवर एक सच में एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो इस वक्त हमें भागलपुर में दिख रहा है। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर देख के कि छोटे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर शामिल हुए। ये जल्दी दिखता नहीं है और अभी आप देखेंगे जैसे ये शेरवानी ये सब जनरली हम लोग जाते थे किसी और ब्रांड में। हमारा घर तो भाई भागलपुर है, बगल में है। हम चाहेंगे कि हम ना केवल हम आए बल्कि सभी लोग भागलपुर से यहीं पर आए अपनी शॉपिंग करें। हमको लगता है कि बिहार में ये पहला शोरूम है और ये इतना मतलब बहुत ही प्यारा है, पहला के साथ साथ बहुत प्यारा भी है।
अब कोलकाता तो नहीं जाना पड़ेगा। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। देश में कई तरह की योजनाएं चल रही है जिनका संचालन सरकार करती है। सरकार इन लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी चलाया जा रहा है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है, बशर्ते आप योजना के लिए पात्र हों। वहीं आज भागलपुर के भीकनपुर स्थित नेत्रहीन विद्यालय में भाजपा विजय मित्रा नगर मंडल की नगर उपाध्यक्ष रिंकू वर्मा के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड को लेकर पंजीकरण शिविर लगाया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। वहीं भाजपा नेत्री रिंकू वर्मा ने बताया कि कैंप में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वार्ड संख्या 35 और 36 के दर्जनों लोग आए। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जनहित से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ आम जनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोग शिविर लगाते हैं। ये मोदी जी का लाभ है जो कि बहुत लोग हैं कि नहीं उठा पा रहे थे, जिसका हम लोगों ने सोचा कि आज ये शिविर लगाया जाए और वार्ड नंबर 36 के तहत आज यहाँ पर लगाया गया है, जिसका सभी लोग जो जो छूट गए हैं उनका बनवाया जा रहा है। तक में 150 लोगों ने ले चुका है और जो छूटे हुए हैं उनका भी बन रहा है। यहाँ फिलहाल अभी 15-20 बन चुका है जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू वर्मा हुआ। भागलपुर के असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में आज प्रोफेसर फारूक अली के देखरेख में टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में DIO डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में सभी तरह का टीका निशुल्क दिया जाता है, आम लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन, डॉक्टर SI फातिमा, अजीत कुमार, पीताम्बर सिन्हा, डॉक्टर संदीप कुमार समेत काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।
ये आज के कार्यक्रम में ये उर्दू गर्ल्स विद्यालय में फारूक साहब के अनुरोध पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ये सभी बच्चियों को जागरूक करना था। एक तो टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है, दूसरा एनीमिया मुक्त। ये एनीमिया मुक्त कार्यक्रम आज के डेट में काफी प्रधानमंत्री का प्रायोरिटी प्रोग्राम है और वो चाह रहे हैं कि अभी जो डेटा है उस डेटा के अनुसार से 100 में 46 बच्चे 46 लोग एनीमिक हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों या बच्चे हों। तो आधी आबादी एनीमिक हैं और एनीमिया सबसे बड़ा कारण है बीमार रहने का, और बीमार में लोग न पढ़ सकता है, न उनका कोई ग्रोथ हो सकता है, न सही से कार्य कर सकते हैं, कार्य क्षमता उनका घट जाता है। इसलिए अगर वो सही से सही समय पर ये नज़र में आ जाए कि ये एनीमिक हैं और उसके लिए सप्लीमेंट्स आयरन का वो अगर लेंगी तो एनीमिया से मुक्त हो सकते हैं।